मत देख पूरी मेरा हीरोइन का फीलिंग तो आ ही रहा है, बिग बॉस जैसा फीलिंग आता है। लोग बहुत ही आराम रेस्ट करने गए थे, रेस्ट ही हो गए भाई। अमेजिंग, ये तो फुल रहा है नहीं। Guys, welcome to my channel. It's just a random day in my life. I don't know मैं आज क्यों vlog बना रही हूँ, मुझे भी नहीं पता। बस आज मैं थोड़ा सा कुछ न्यू ट्राई कर रही हूँ। आज ना मैं गोलगप्पा बनाने वाली हूँ, तो मैं सोचा कि चलो मैं शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं जब कुछ नया करती हूँ ना मैं बहुत ज़्यादा स्यापा करती हूँ। एक्चुअली मैं कुछ पुराना भी करती हूँ फिर भी स्यापा ही करती हूँ, बट बहुत ज़्यादा क्लम्जी हो जाती हूँ मैं, तो आपको देखने में मज़ा आएगा मे बी। तो मैंने सोचा चलो आज वीडियो में बनाई लूँ। पर उससे पहले अभी मैं छोटा सा शॉर्ट शूट कर रही हूँ, अभी मैं ना मेकअप वीडियो बनाने वाली हूँ। मतलब कि हिम्मत देखोगे मेरा, जिस लड़की को मेकअप नहीं आता है बस वो अभी सीख रही है, वो मेकअप वीडियो बना रही है, तो भाई मेरे हिम्मत के लिए एक थम्स अप तो बनता है, क्या कहते हो। तो अभी मैं एक वीडियो बनाती हूँ, उसके बाद मिलते हैं गोलगप्पा बनाने में, ठीक है। हेलो जी, कैसी लग रही हूँ मैं अभी? कितनी गरीब दिख रही थी, अचानक से मैं थे ग्लैमरस दिख रही हूँ। वैसे असलियत दिखाऊं, एक सेकेंड, नीचे मैंने पजामा डाल रखा है, बट फिर भी ये क्या आ रहा है, एक सेकेंड, हाँ आप सही है। पर फिर भी मेरा ये लुक कैसा लग रहा बताना जरूर। आई एम लाइकिंग इट, लाइक अगर तुम तैयार हो ना अच्छे से तो अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, ऐसे मुझे हीरोइन टाइप फीलिंग तो आ ही रहा है। ऐसा लग रहा है धीरे धीरे मैं मेकअप सीख रही हूँ, ये मैं पहले खोल, बहुत ज़्यादा लग रहा है, वैसे बहुत हल्का है। चलो अब मैं मेकअप उतारूँ या ना उतारूँ, मुझे वीडियो भी बनाना है। अभी मैं रहने देती हूँ मेकअप, हाँ क्योंकि मैंने डाल रखा है, तो ऐसे भी मुझे गोलगप्पा बनाना, तो चलो अब गोलगप्पा बनाते हैं फिर मिलते हैं, ठीक है। ये गंद तो मैं समेट दूँ, ये इयररिंग अलग जाएगा, ये सब अलग है यार। मेरा मेकअप इतना सस्ता मेकअप और ये ऐसा टूटा हुआ मेकअप सब है मेरे पास, इसका ढक्कन पता नहीं, अजीब रहा। मैं फैन चलाती हूँ, वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने फैन नहीं चलाया था। पर घर में ऐसे मेकअप करके घूमने पे ना ऐसे बिग बॉस जैसा फीलिंग आता है। लोग ना बिग बॉस में ऐसे मेकअप करके घर में खाना बनाते थे, आज मैं मेकअप करके खाना बनाऊंगी, और पंखा चल चुका है तो आवाज आएगा। गोलगप्पा का पानी बनाने के लिए चाहिए मुझे आम। अब आम तो है मेरे, बट खुद के पेड़ का आम कौन तोड़ता है, तो मेरा पड़ोसी अभी नहीं है, तो मैंने सोचा कि बहुत आम है थोड़ा तोड़ लूँ। कौन सा तोड़ूँ, एक काफ़ी है, बहुत ही बड़ा आम है, काम तो मेरा चल जाएगा। बट मेरा प्रॉब्लम ये है कि ये जो मेरे जो पड़ोसी हैं ये मेरे सब्सक्राइबर हैं या नहीं मुझे नहीं पता, तो अगर हैं और अगर वो आप देख रहे हैं तो आई एम सॉरी, एक ही आम लिया। हेलो, वेलकम टू कुकिंग विद ज्योति। अब सबसे पहले मैं इस आम को उबाल लेती हूँ। तो मैंने पूरा वीडियो शूट कर लिया और मेरा चेहरा नहीं दिख रहा था, तो मैंने सब कुछ चेंज कर दिया। चलो आटा लगा, तो मैं ले रही हूँ एक कटोरा आटा, जैसा कि वीडियो में बता रहा हूँ, और इसी से हाफ कटोरा सूजी। सो बेसिक प्रिपरेशन हो चुका है, इधर मैंने ये चढ़ने के लिए डाल दिया, उधर मैंने आटा गूंद लिया है। अब उस आटे को भी हाफ एन आवर को रेस्ट करना है, तो मैं भी रेस्ट कर ही लेती हूँ, ठीक है। रेस्ट करने के बाद फाइनल प्रोसेस में मिलते हैं। A little longer than a few minutes later. रेस्ट करने गए थे, रेस्ट ही हो गए भाई, आंख लग गए सो गए। चलो अब तैयारी शुरू करते हैं असली चीज बनाने का। मैंने ना क्या किया था कि ये आम है, आम को मैंने निकाल लिया था, सबसे पहले मैं पानी बना लेती हूँ। ये रहा पुदीना, सुबह से मैं इतना फ्रेश फ्रेश मूड में थी, वो जो सो गई है ना, ऐसा लेजीनेस आ गया है, करने का मन नहीं करा, वो मेरा एनर्जी नहीं चला गया। ये वाला पुदीना इसमें, कैसे मैं दिखा रही हूँ, अमेजिंग, आई एम अमेजिंग। इसमें ना हल्का सा चीनी डालूंगी ताकि सब कुछ बैलेंस आप हो जाए, ठीक है।
चलो ये हो गया, इसको मैं डालती हूँ फ्रिज में, यहाँ पे सब कुछ क्लियर करती हूँ, उसके बाद आलू प्रिपेयर करते हैं, दैट इज द फिलिंग। चलो अब फिलिंग बनाते हैं, और जब मैं वीडियो बनाने जाती हूँ तभी क्यों चारों तरफ से साउंड आता है, नो आइडिया। इसमें ये साथ में इसमें डालूंगी मैं चना। चलो आलू इज ऑल्सो रेडी। अब आते हैं मेन काम है जो कि है पूड़ियाँ बेलना। इट्स द टफेस्ट पार्ट। इसको मैं कहाँ रखूँ, यहाँ रखती हूँ। ये जो मैंने गंध फैलाया है भाई उसको साफ करती हूँ। 2 घंटे आराम किया मेरे आटा। अब मुझे इसको करना है मसाज एज पर द वीडियो। चलो मसाज देते हैं। मुझे इसके लिए चाहिए तेल। अब ये तेल किधर है, टेक्निकली ये बॉटल होना चाहिए तेल का, इसमें तेल होना चाहिए, बट इसमें तेल नहीं है क्योंकि मम्मी को डर लगता है कि इससे गिर जाएगा, तो इसमें डालती ही नहीं है। तो तेल इज हेयर। ऐसे ही डालना। ये कैसे डालना, कैसे डालना? देखो ये है ना, इसको ऐसे नहीं डालना, ऐसे ही डालना। ऐसे जो प्लेन साइड है वो नीचे जाएगा। बहुत बड़ा बड़ा बना रही हूँ, मुंह में ना घुसेगा इतना बड़ा बड़ा, तो मोटा भी होगा। मम्मी मम्मी ये ऐसे ही डाल दे। ऐसे। पहले पहले एक ट्राई मुंह करने दो। फुल जा से मम्मी आधा फूला। मम्मी तो पूरी लग रहा है, कुरकुर नहीं लग रहा उनको। ये तो फूल रहा है नहीं, ये डाल रहे हैं। आप देखते ये फूलेगा कि नहीं, जो ऐसे डालना। फुला फुला। 12 seconds later. आई राम। तो पूरी बन गया। मम्मी क्या करेंगे आप? बड़ा देखे देखो। ये भी पूरी जैसा है। मम्मी तुम भी करो, इतना मेहनत कर रहे, पसीना बहा रहे हैं और ये बन। पसीना मेहनत सब बेकार गया। पूरी बन चुका है, गोलगप्पा की जगह पर। मम्मी रहने दो, पानी पी लेंगे, आलू खा लेंगे, छोड़ लेंगे। अभी बना रही वो भी क्रिस्पी नहीं हो रहा। नहीं, मेरा आटा साने में गड़बड़ हुआ ना। वो बोली ना 1 कप में 1/2 कप सूजी, तो 1 कप में 1/2 कप सूजी डाले और ना बहुत ज्यादा साना, तो बोलो तो सान दिए। खाते हैं जितना बना उतना खाते हैं, बाकी देखा जाएगा। हल्का फुल्का नीचे से क्रिस्पी है। छोड़ो ये सब, छोड़ो, चल खाते हैं। चल चल ठेला लगाए अपना, चल ठेला लगाते हैं। मम्मी अपना कर रही है थोड़ा मोरा, हम अपना ठेला लगाएंगे और पंखा में आएंगे। हाय इतना मेहनत करो और मेहनत सफल ना होना तो बहुत बुरा लगता, बहुत ज्यादा पसीने पसीने हो। कौन है, कौन बुलाया हमको? यहाँ हम गोलगप्पा बना रहे हैं, तुमको बिरयानी खाने का पड़ा होगा। वैसे कहाँ से मंगवा रहे हो बिरयानी? मंगवा रहे खाना है तुम? मैं गोलगप्पा खाने के बाद रात में बिरयानी भी खा सकती हूँ, वो तो मुझे भी मन है। तो मैं अभी गोलगप्पा खा के रात में बिरयानी खा लूंगी, ठीक है? सुनना ठेला लगा रहे, आ जाना। कैसा है मम्मी पानी, कैसा है? बहुत बढ़िया। देख इधर गोलगप्पा का ठेला लगा है, इधर केला का ठेला लगा है, क्या लोगे? सुनो बहुत मेहनत से बनाया है, कंप्लेन नहीं चलेगा यहाँ। पानी ना आम से बना है। रुको मम्मी देते हैं, रुको रुको, अब आओ बैठो बैठो। एक ज्योति पानी पूरी वाली, सुबह ज्योति पानी पूरी वाली।
ये गया मेरा सूखा पापड़ी, पूरी वाजा फेल, पर पानी और आलू सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, मज़ा तो आ रहा खाने में, पानी बहुत अच्छा था। अब जैसा भी बनाओ सबके साथ खाने में मज़ा आ गया। ठीक है, अब मैं करती हूँ वीडियो को यहीं पे एंड। अपना ख्याल रखना, अभी के मेरे तरफ से बाय।